The angle subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended at the eye by the virtual image reduced by a magnifying glass. In what sense does a magnifying glass provide angular magnification? Let's see. This is my convex lens जिससे मैग्नीफाइंग ग्लास बनता है. ये मान लीजिए उसका फोकल लेंथ है, फोकस है, ये उसका फोकल लेंथ. फोकल लेंथ दिखाते हैं स्मॉल एफ से, फोकस दिखाते हैं कैपिटल एफ से. आपने मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया ए बी और इमेज बनाने चले गए, तो पैरेलल लाइन शुड ऑलवेज पास थ्रू फोकस. तो ये इतना ही अंदाजे से ले लीजिए यहाँ पे, और ये आपने फोकस से निकाल दिया. ऑब्वियसली डाइवर्स कर रही है, पर इमेज बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इमेज कभी तो इन कहीं भी इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है. अगर एक्चुअली नहीं करेंगी तो हम प्रोड्यूस करें कराएंगे, लेकिन कराएंगे ज़रूर. फिर जहाँ वो करती हैं उसे बोलते हैं इमेज. नाउ आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने जो एंगल सबटेंड किया है ऑप्टिकल सेंटर पे, एक्चुअली अज्यूम ही किया जाता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, हमें अज्यूम करते हैं कि आँख इतनी पास में होती है इन लेंसेज के कि इसी को ही आई बोला जाता है सवालों में. जो एंगल आँख पे सबटेंड किया जा रहा है वही एंगल इस कन्वेक्स लेंस पे सबटेंड हो रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं. इसलिए एट द आई लिखा हुआ है, आप इसको आँख ही मान लीजिए, आँख बहुत करीब रखी होती है. अब देख सकते हैं कि जो एंगल ये ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है वही एंगल ये भी तो सबटेंड कर रहा है, और इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब एंगल इक्वल सबटेंड होते हैं तो फिर मैग्नीफाइंग किस तरह की हो रही है, कैसी मैग्नीफिकेशन है. देखिए यहाँ पे लोग घुमा रहे हैं, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं कि आपने मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन सही से पढ़ी है कि नहीं. वो ये कहती है इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई. अनएडेड मतलब जब ये लेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आंख से. When both at least distance of distinct vision, ये बहुत important है. वो ये कह रहे हैं कि object और image दोनों ही एक ही दूरी पर होनी चाहिए लेंस से. वो ये कह रहे हैं कि लेंस जो इमेज बना रही है वो डी पे बना रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट भी वहीं रखिए, लेंस को हटाइए और नॉर्मल आपने नेकेड आई से देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या एंगल सबटेंड कर रहा है. इसका मतलब हुआ अनएडेड आई. तो ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली रखो, क्यों मान लो इसको. अब ए क्यू, ये ए डैश था, ए डैश क्यू, और ए भी है तो बराबर लेंथ का. अब आप देखिए जो एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखने के बाद वो तो अलग है, उसको अल्फा से दिखा दीजिए. और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है बड़ा वाला, इसको मैं से दिखाता हूँ, ये देखो ये तो बीटा है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम है बीटा अपॉन अल्फा, ऐसे मिलता है मैग्नीफिकेशन. तो ये गलत बोल रहे हैं, घुमा रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं आपको. मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द इमेज and the object when both are placed at capital D. और ये definition भी उस case के लिए है when image formed at infinity. Sorry, when image formed at capital D. Image formed at D. तब के case के लिए है. एक और case होता है simple microscope में when image formed at infinity. उसकी definition ये होती है it is the ratio of the angle subtended by the image at the eye to the angle subtended by the object at the unaided eye when object at D. अब image तो D पर नहीं है ना, image तो infinity पर है.
लेकिन ऑब्जेक्ट को अभी भी डी पे ले जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को अभी भी डी पे ले जाना है आपको, तो किसी भी कीमत पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहने वाला। आप सोचोगे सर कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, वो तो इन्फिनिटी पर है, तो वो एंगल कैसे सबटेंड करेगा? अभी तो देखा कि जो ये लाइन सबटेंड कर रही थी वो ऑब्जेक्ट भी करेगा ना, ऑब्जेक्ट वाली इन्फिनिटी पर बन रहा हूँ, हम एंगल यहाँ से निकाल लेंगे। आएगा समझ? तो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी बन रहा है तो ऑब्जेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी बन भी रहा है तो वो एंगल भले ही, हम इमेज मतलब इमेज अगर भले इन्फिनिटी बन रही है, वो एंगल भले इमेज से नहीं निकाल पाएंगे, इस लाइन से तो निकाल लेंगे, ये लाइन तो वही एंगल सबटेंड कर रही है ना, तो हमें इन्फिनिटी भी जाने की जरूरत नहीं है, ये ए बी लाइन से मिल जाएगा वही एंगल। देख लो ये जो एंगल है वही ये एंगल भी है, तो दोनों ही केस में हमको ऑब्जेक्ट को डी पर ले जाके फिर मैग्नीफिकिंग मैग्नीफाइंग पावर की रेशियो के बारे में बात करनी है।